आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, सपनों की दुनिया दिखाए। अरे हाँ, मैं तो फैंटेसी में चला गया था, बाहर आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि अगर आपको चांद पे जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा क्रेजी आइडिया है ना, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल हो गया है। जी हाँ, एक इंडियन एक्टर, एक जापानी अरबपति, एक पॉप रैपर और 5 और लोगों को चांद पर जाने का मौका मिला है। जल्द ही ये ग्रुप इतिहास बनाने के लिए तैयार है और ये बेहतरीन मौका मिला है इंडियन एक्टर और इन्फ्लुएंसर देव जोशी को, जो 22 साल के हैं। देव उन 8 लोगों के ग्रुप में शामिल हैं जो 2023 में स्पेसएक्स से चांद के लिए उड़ान भरेंगे। ये चांद पे जाने के लिए पहला नागरिक मिशन है और देव इसमें सबसे कम उम्र के सदस्य हैं और उन्हें 249 देशों के 10,00,000 एप्लीकेशंस में से 7 और लोगों के साथ चुना गया था। इस ट्रिप को लीड करने वाले जापानी अरबपति युसाकु मेजेवा हैं, जिन्होंने इस यात्रा की सारी सीटें पहले ही खरीद ली थी और ट्विटर और डियर मून वेबसाइट पर एक कंपटीशन के जरिए सब लोगों का सिलेक्शन किया था और देव जोशी इसी में सेलेक्ट हुए हैं। वेबसाइट पे अपलोड शेड्यूल के मुताबिक डियर मून के प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 में की गई थी और जाने वालों का सिलेक्शन प्रोसेस 2021 में शुरू हुआ था। आपको बता दें कि देव 3 साल की उम्र से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उन्होंने कई टेलीविजन सीरीज, 20 से अधिक गुजराती फिल्में, म्यूजिक एल्बम्स और स्टेज शोज भी किए हुए हैं। देव जोशी ने 2010 में टेलीविजन के नाटक काशी अब ना रहे तेरा कागज कोरा में यंग शौर्य की भूमिका निभा के अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी। वैसे देव जोशी के लिए स्पेस सूट पहनना कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि 2012 से वो अपने एक टीवी कैरेक्टर की वजह से उसे पहनते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, देव जोशी वही हैं जिन्होंने 2012 में सब टीवी में स्पेस सुपर हीरो बालवीर के किरदार से स्टारडम हासिल किया था। ये शो 4 साल तक चला और काफी बड़ा हिट हुआ। डियर मून वेबसाइट पर शेयर किए गए एक वीडियो में देव ने कहा, आपने मुझे एक सुपर हीरो के रूप में अंतरिक्ष में उड़ते हुए देखा है, अब इसे रियल बनाने का समय आ गया है और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश भी हूँ। तो अब अगर आप बालवीर के फैन हैं तो आपको ये न्यूज सुनकर डेफिनेटली मजा तो आ ही गया होगा, तो कमेंट्स में बताइएगा जरूर। तो मैं चलता हूं, क्योंकि मुझे तो अपनी रियल लाइफ में इसी तरह की खबरें आप तक लगातार पहुंचानी है ना, और उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस ENT Live को सब्सक्राइब कर देना है और हम चांद से लेकर पृथ्वी लोक तक की एंटरटेनमेंट की खबरें आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।